अच्छा गुरु जी, एक और प्रश्न कई विद्यार्थियों ने पूछा है, हालांकि उस प्रश्न का भी आप कई दफ़े जवाब दे चुके हैं। प्रश्न बड़ा सीधा सा किया है एक विद्यार्थी ने आपसे कि हमारे शरीर में आत्मा का कौन सा हिस्सा है, हमारे शरीर में आत्मा किस जगह पर वास करती है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे इस रहस्य को? आत्मा कोई ऐसी ठोस वस्तु नहीं है कि पत्थर का टुकड़ा है। आत्मा इतना सूक्ष्म है जैसे हमारे विचार होते हैं। अब हमारे विचार शरीर के कौन से हिस्से में विराजमान हैं, और जिस दिन से हम पैदा हुए हैं आज तक हमने कम से कम कई करोड़ विचार किए, तो इतनी करोड़ चीज़ें हमारे दिमाग में कैसे आ गईं? तो जो सूक्ष्म चीज़ है, यानी हम कुर्सी को तो देख सकते हैं लेकिन कुर्सी नेस कहाँ है? कुर्सी नेस दिखाओ मैं। तो आत्मा इस तरह का सूक्ष्म सी चीज़ है, वो शरीर में कोई ठोस वस्तु नहीं कि वहाँ रखी हुई है, जैसे हार्ट रखा हुआ है या जिगर रखा हुआ है या कलेजा, तो एक सूक्ष्म चीज़ है आत्मा। उस सूक्ष्म चीज़ को इस स्थूल आँखों से देख ही नहीं सकते, ठोस चीज़ दिखाई दे जाए। जो सर्वव्यापक है, बिजली सर्वव्यापक है, कहाँ दिखाई देती है? सोलर एनर्जी से पकड़ रहे हैं सोलर एनर्जी को, सारे संसार में सोलर एनर्जी है, लेकिन कौन से हिस्से में है हमारे? हमारे घर में सोलर एनर्जी कहाँ दिखाई दे रही है? रसोई में रखी हुई है या गुसलखाने में सोलर एनर्जी? तो जो ऐसी चीज़ें सर्वव्यापक हैं वो आँखों से दिखाई नहीं देती, वो बुद्धि से दिखाई दे। रीजन, प्लेटो ने कहा यूनिवर्सल को आप रीजन से देख सकते हैं। अब एक आदमी जो था उसके समझ में नहीं आ रहा था, प्लेटो ने उसको बताया कि यूनिवर्सल चिड़िया बनाओ एक, ऐसी चिड़िया जो चिड़िया हो। तो उसने कबूतर बनने के, तो कबूतर बना दिया, चिड़िया कहाँ है, मिटा दिया प्लेटो ने। फिर उसने दूसरा बनाया, उन्होंने कहे तो मुर्गा बना दिया, चिड़िया कहाँ है, चिड़िया बनाओ। तो प्लेटो ने फिर उसको कहा कि मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल नहीं बनाए जा सकते, यूनिवर्सल को परसीव नहीं किया जा सकता, यूनिवर्सल को थिंक किया जा सकता है बुद्धि से। अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ मुझे, यूनिवर्सल चिड़िया बना कर, यूनिवर्सल फूल बन के दिखाओ। तो आप पर्टिकुलर ही एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्सल एग्जिस्ट नहीं करते। यूनिवर्सल थिंकिंग से, हमारे रीजन से जाने जा सकते हैं, आँखों से नहीं जाने। तो आत्मा एक यूनिवर्सली व्याप्त चीज़ है, उसको आप आंखों से नहीं देख सकते, ना कहीं लोकेट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ गुरु जी फिर ये हुआ कि हम धीरे 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 अपने विचार को और अपनी दृष्टि को अगर हम बढ़ाते हैं, उसको विकसित करते हैं, तब हमें आत्मा के कंसेप्ट का फिर ज्ञान हो जाता है। यानी कि आत्मा एक फिनोमिना है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए कहा है कि रीजन, जिनमें अकल है वही जान सकते हैं, जिनमें अकल नहीं है वो नहीं जान सकते। तो अकल को अपने विकसित करो, रीजन को विकसित करो। जब रीजन विकसित हो जाएगा तो पता लग जाएगा आत्मा क्या है, और जब तक रीजन नहीं है, लिमिटेड बुद्धि से देख रहे हैं, आत्मा का पता नहीं लगा। फिर तो हम ये कहेंगे आत्मा भी कोई रोटी की चीज़ है कि जाके हमारे स्टमक में पड़ जाती है, या कोई और ऐसी चीज़ है जैसे नाक में नरला पैदा हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ है आत्मा? तो आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं, आत्मा को रीजन से जान सकते हैं। पर गुरु जी फिर वो भी तो मामले हमारे सामने होते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना ध्यान करता है, अपनी चेतना का विकास करता है, एक कुंडलिनी का एक चक्कर चलता है, फिर वो कहता है कि आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मा के दर्शन हो गए, तो पूरा का पूरा एक वो भी एक पैरेलल सिस्टम है, तो वहाँ पर फिर कैसे? आत्मा के दर्शन आँखों को कभी नहीं होते, आत्मा के दर्शन बुद्धि को होते हैं, रीजन को।
यूनिवर्सल को रीजन देख लेता है, रीजन देख लेता है, यूनिवर्सल ये है। और रीजन को फिर सामने एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते कि रीजन ऐसी चीज़ बनाएगा। तो जिनको आत्म साक्षार होता है उनको वो बुद्धि के ऊपर जाकर के जागता है, पराबुद्धि। तो देखने का शब्द का मतलब दोनों तरह से होता है, आँखों से देखना स्थूल से और बुद्धि से देखना। तो बुद्धि से देखते हैं, आँखों से नहीं देख सकते। तो यानी कि गुरुजी जो उस तरह की जो आध्यात्मिक जो चेतना के जो स्तर हैं वो भी बुद्धि का परम विकसित स्वरूप है एक तरह से। बुद्धि से भी ऊपर जब उठोगे तो आत्मा पहुंच जाओगे। तो फिर वो अपने आप से वहां पर उसका संयोजन होता है, उसका प्रोजेक्शन होता है उस रूप में। बुद्धि हर चीज़ को तोड़ के देखती है। मैंने एक लाल गुलाब देखा, जब मैंने आकर के बताया तो मैंने कहा रोज इज़ रेड, तो ये ईज कहाँ से आ गया, रोज़ में तो ईज था ही थी। तो बुद्धि ने रेडनेस अलग कर दी, रेडनेस रोज से अलग नहीं एग्जिस्ट कर सकते, और रोज जो है बिना रेडनेस के एग्जिस्ट नहीं, बिना नहीं कर सकता। तो पहले दोनों को हमने अलग अलग किया। तो आत्मा इसी तरह से अनुभूति का विषय है, उसको वाणी से वर्णन करोगे तो उसमें ज़रूर पहले खंडन कर दो उसको, और फिर इसके द्वारा जोड़ने की कोशिश करो। तो यानी कि उस परम स्थिति में वो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मैटर है वो गिर जाता है, और वो एकात्म होके वो चीज़ हमें समझ में आती है, फिर उसका सही स्वरूप प्रकट होता है।